हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैदराबादी फूड हब। कैसे हैं आप सब? आज का सेटअप देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की हमारी स्पेशल वीडियो होने वाली है चाय के बारे में, और हम बताएंगे आपको अरबिक कॉफ़ी की रेसिपी। सब में ज़्यादा कंज्यूम करने वाली चीज़ है चाय। इंडिया में और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पी जाती है और सबका अलग अलग तरीका होता है बनाने का। एकदम मैं आपको हैदराबादी दम की चाय परफेक्ट कड़क कैसे बनाते हैं बताऊँगी, और साथ ही अरबिक कॉफ़ी। अरेबिक कॉफ़ी के साथ कॉम्प्लीमेंट करता है खजूर, और हमारी चाय के साथ हमने यहाँ पर रखा है उस्मानिया बिस्किट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अरेबिक कॉफ़ी आपको बताएंगे मिल्क की किस तरह बनती है। यहाँ पर ऐड करूँगी मैं 1.5 कप मिल्क। पानी की भी बनती है, बहुत सारे फ़ायदे हैं अरेबिक कॉफ़ी, या फिर जिसे आप घावा या कहवा भी कहते हैं अरेबिक में। यहाँ पर 1.5 कप दूध मैंने ऐड कर, दूध में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून हैवा पाउडर, शुगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, और साथ ही इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा ज़ाफ़रान। एक्चुअली ज़ाफ़रान हैवा पाउडर में होता है, मगर ये ड्राई हो जाता है, तो आप थोड़ा सा ज़ाफ़रान ऐड करके इसे सर्व करें। चलिए इसे मिक्स करेंगे, और एक बॉईल आने के बाद इसे लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। पानी में भी बहुत मज़ेदार बनता है। चलिए इसे बॉईल आने देंगे। चलिए बॉईल आ रहा है, अब हम गैस का फ्लेम लीस्ट कर देंगे और लीस्ट फ्लेम पे इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि हैवा पाउडर का अच्छा सा फ्लेवर दूध में आ जाए। चलिए अब बनाते हैं सबकी पसंदीदा चीज़, यानी कि दम की चाय। इसके लिए फुल फैट मिल्क यूज़ कर रही हूँ मैं। थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे, इससे क्या होगा टेक्स्चर बहुत जल्दी आ जाएगा चाय में, और इसका फ्लेवर भी बहुत एनहांस होगा। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे टी पाउडर। 2 कप चाय के लिए बता रही हूँ मैं आपको, तो आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पीते हैं तो ज़्यादा ऐड करें। 2 टीस्पून मैं ऐड करूँगी। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे शुगर। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। 2 टीस्पून शुगर मैं इसमें ऐड करूँगी। चलिए नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे दूध। क्योंकि पत्ती का जो टेस्ट आता है वो दम पे आता है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा अदरक खिसके ऐड कर सकते हैं, मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं इसका फ्लेवर एनहांस करने के लिए। एक इलायची पे इस तरह से इसमें फूल के धार रही हूँ फ्लेवर के लिए। चलिए 10 मिनट इसे अच्छे से पकने देंगे, और आप फिर देखिए कितना परफेक्ट इसका कलर आएगा। ये देखिए कैसा परफेक्ट टेक्सचर आ गया है हमारी चाय का। चलिए अब हम इसे टी पॉट में ट्रांसफ़र करेंगे, और आप चाहें तो 1 टीस्पून मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं। देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं और हमारा फ्लेवर रेडी हो गया है। चलिए इसे हम स्ट्रेन कर लेंगे सर्व ग्लास में। ये देखिए रेडी हो गई है हमारी गर्मा गर्म अरेबिक कॉफ़ी खेवा, या फिर इसे घावा भी कह सकते हैं आप। इसे खजूर के साथ सर्व किया जाता है। साथ ही हमने बनाई है दम की चाय हैदराबादी स्टाइल, एकदम कड़क और एकदम मज़ेदार परफेक्ट मेजरमेंट के साथ, और इसके साथ कॉम्प्लीमेंट करता है बिस्किट्स। तो आप भी मेरा ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और शेयर करिए फ्रेंड्स रिलेटिव्स में। थैंक यू एवरीवन।